हर माह की 26 तारीख को छतरपुर जिले के एक प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमान टौरिया पर इसी तरह डॉक्टरों की एक टीम लोगों की आंखों की जांच करती है। ये टीम मध्य प्रदेश के ही चित्रकूट से आती है और यहाँ पर हर माह की 26 तारीख को लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें निशुल्क इलाज देती है। इतना ही नहीं, इस कैंप में मिलने वाले मोतियाबिंद के मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन भी यहाँ से ले जाकर कराया जाता है। इस माह भी 26 तारीख को हनुमान टौरिया परिसर पर एक दिवसीय निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हनुमान टौरिया सेवा समिति ने बताया कि इस शिविर से हर महीने सैकड़ों मरीजों का लाभ होता है। सतना के सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से आने वाली एक दर्जन मेडिकल सदस्यों की यह टीम इसी तरह लोगों की आंखों की जांच करती है और इनके निःशुल्क ऑपरेशन के लिए भी इन्हें छतरपुर से चित्रकूट ले जाया जाता है। मिशन रोशनी के तहत पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अनवरत 12 वर्षों से हनुमान टौरिया मंदिर परिसर पर एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस माह का ये चौथा शिविर है, जो 13वें वर्ष का चौथा शिविर है और यह शिविर नगर की प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं व्यवसायी राधेलाल असाटी जटाशंकर ज्वेलर्स वालों के सहयोग से उन्होंने अपने भाई की परम स्मृति में लगाया था और इस शिविर में आज लगभग 300 लोगों के पंजीयन हुए हैं और 50 मरीज यहाँ से चित्रकूट मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए हैं। चित्रकूट इनको रवाना किया जाएगा।